जगत गुरु श्री प्रभुपाद की जय, श्री गुरु महाराज की जय, अनंत कोटि वैष्णव वृंद की जय, निताय गौर प्रेमानंद हरि हरि ग्रंथराज श्रीमद भागवतम की जय, भागवत महापुराण की जय, निताय गौर प्रेमानंद हरि हरि। भागवतम पहला स्कंद अध्याय संख्या 10 श्लोक संख्या 8। आमंत्र्य चाभ्यनुज्ञातः परिस्याज्या विजातितम् आरुरोहम प्रथम कैश्चित् परिस्वक्तो विवादिता। आमंत्र्य चाभ्यनुज्ञातः परिस्वाज्या विवाद्यतम् आरुरोह रथम कैश्य परिस्वक्तो विवादिता। आमंत्र्य चाभ्यनुज्ञातः परिस्वक्ज्या विवाद्यतम् आरुरोह रथम कैश्यत् परिस्वक्तो विवादितः। आमंत्र्य चाभ्यनुज्ञात परिस्वज्या विवाद्यत् आरुरोह रथम कैश्यत् परिस्वक्तो विवादितम्। रिपीट कीजिए। रिकॉर्ड हरे कृष्ण प्रभु जी। आमंत्र चाभ्य न जात परिष्या विभातम आरोहम रथम कश्यतम परिषक्तो विभार्दितम्। हरे कृष्ण प्रभु जी। आमंत्र चाभ्य परिष्या विभादतम आरोह रथम कश्चित् परिष्वक्तो विवादिता। हरि बोल। और कोई भक्त? यस। हरे कृष्ण प्रभु जी। आमंत्र चाभ्यनुज्ञात परिष्वज्याभिवादितम् आरुरोहम कैश्चित् परिष्वक्तो विवादितम्। हरे कृष्ण प्रभु जी। यस। अभ्यनुज्ञात परिष्वज्याभिवादितम् आरुरोह रथम कैश्चित् परिष्वक्तो विवादितम्। और कोई? इसका ट्रांसलेशन इस प्रकार से है, afterwards when the lord asked permissions to depart and the king gave it, the lord offered his respects to maharaj yudhishthira by bowing down at his feet, and the king embraced him. After this, the Lord, being embraced by others, receiving their obeisances, got into his chariot. बहुत ही सुंदर बात भगवान कह रहे हैं कि जैसे ही भगवान ने डिपार्ट करने के लिए मतलब जाने के लिए परमिशन मांगा, तो अपना जो सर है युधिष्ठिर महाराज के चरणों में बो डाउन किया, झुकाया। तो भगवान ने प्रस्थान करने की अनुमति मांगी, राजा ने अनुमति दे दी, तो भगवान ने महाराज युधिष्ठिर के चरणों में झुककर उन्हें सम्मान दिया और राजा ने उन्हें गले लगा दिया। उसके बाद
भगवान दूसरों से गले मिलते हुए और उनका अभिवादन स्वीकार करते हुए अपने रथ पर सवार हो गए। तो बहुत ही सिंपल बात है, भगवान ने राजा युधिष्ठिर महाराज राजा हैं और कोई भी स्थान छोड़ने से पहले या कोई भी स्थान ज्वाइन करने से पहले अथॉरिटी की परमिशन ली जाती, और उसमें राजा सुप्रीम अथॉरिटी होते थे। तो भगवान श्री कृष्ण ने सुप्रीम पर्सनैलिटी होने के बाद भी उस नियम का पालन किया और महाराज युधिष्ठिर से अनुमति मांगी, और अनुमति महाराज युधिष्ठिर ने दे दी। तो फॉर्मेलिटी थी, उनको अनुमति देना ही था। और फिर भगवान ने युधिष्ठिर महाराज के चरणों में झुक के प्रणाम किया, उन्हें सम्मान दिया, क्योंकि राजा उस समय उनकी पोस्ट बड़ी है। अगर मटीरियल पॉइंट ऑफ व्यू से देखें, संसार के दृष्टिकोण से देखें, तो युधिष्ठिर महाराज बड़े हैं उस समय, इसीलिए भगवान से कृष्ण उनका पैर छूते हैं। और इसके बदले में युधिष्ठिर महाराज ने क्या किया, इसके बदले में उन्होंने भगवान से कृष्ण को गले लगा दिया। छोटों का काम होता है रिस्पेक्ट करना, प्रणाम करना, बड़ों का काम होता है प्रेम देना। प्रेम कैसे दिया जाता है, गले लगा के प्रेम दिया जाता है। तो वही काम युधिष्ठिर महाराज ने किया, बड़े होने के नाते इन्होंने भगवान को गले लगाकर अपना प्रेम दिया। और इसके बाद भगवान औरों से भी गले मिलते रहे, और जितने भी भगवान के इक्वल थे या भगवान से छोटे हैं, इन सबसे भगवान गले मिलते हुए उनका अभिवादन स्वीकार किया भगवान ने, और अपने रथ पर सवार हो गए, रथ पर चले गए बैठे। तात्पर्य भाई अर्चनीय वंदनीय प्रातः स्मरणीय जगत गुरु शिल प्रभुपाद जी द्वारा शिल प्रभुपाद की जय। महाराज युधिष्ठिर भगवान कृष्ण के बड़े भाई थे, चचेरे भाई, और इसीलिए उनसे विदा लेते समय भगवान ने राजा के चरणों में प्रणाम किया। राजा ने उन्हें छोटे भाई के रूप में गले लगाया। हालांकि राजा अच्छी तरह जानते थे कि कृष्ण भगवान के परम व्यक्तित्व हैं। युधिष्ठिर महाराज अच्छे से जानते हैं कि भगवान से कृष्ण भगवान है, परम भगवान है, लेकिन फिर भी अपने छोटे भाई की तरह उनको ट्रीट किया। भगवान तब प्रसन्न होते हैं जब उनके भक्त उन्हें प्रेम की दृष्टि से कम महत्वपूर्ण मानते हैं। कोई भी भगवान से बड़ा या उनके बराबर नहीं हो सकता, लेकिन वो अपने भक्तों से छोटा माने जाने में आनंद महसूस करते हैं। जैसे यहाँ पर कोई भी व्यक्ति है, कितना ही बड़ा क्यों ना हो, लेकिन जब उसके मम्मी पापा उसको गले लगाते हैं, उसको छोटा समझते हैं, तो व्यक्ति को बड़ा आनंद आता है। इसी तरह से भगवान से कृष्ण से बड़ा कोई है नहीं संसार में, लेकिन फिर भी भगवान से कृष्ण अगर कोई उनको छोटा समझता है, अपने से छोटा मानता है, छोटा मान करके प्रेम देता है, तो भगवान को ये बड़ा अच्छा लगता है। भगवान बहुत अच्छा महसूस करते हैं, बहुत आनंद महसूस करते हैं भगवान, क्योंकि बड़ा बड़ा तो सब बोलते हैं संसार में, भगवान को सब बड़ा मानते हैं, लेकिन छोटा बोल करके प्रेम देने वाला आनंद, ये भगवान को बड़ा आनंदित करता है। इसलिए युधिष्ठिर महाराज भगवान को आनंद प्रदान कर रहे हैं छोटा समझ के। ये सभी भगवान की दिव्य लीलाएं हैं, और निर्विशेष वादी तो भगवान के भक्त द्वारा निभाई गई अलौकिक भूमिकाओं में प्रवेश भी नहीं कर सकते। निर्विशेष वादी इन बातों को समझ भी नहीं सकते, क्योंकि भाव की भंगी, भाव की गरिमाएं, भाव है। भाव को समझने के लिए हमें भक्त होना पड़ेगा। जब तक हम भक्त नहीं है, हम इन भाव को नहीं समझेंगे। निर्विशेषवादी इस भाव को नहीं समझ पाते। तो इसीलिए इसके बाद भीम और अर्जुन ने भगवान को गले से लगा दिया, क्योंकि वे एक ही उम्र के थे, लेकिन नकुल और सहदेव भगवान के सामने झुके, क्योंकि वे उनसे छोटे थे। तो बड़ों को प्रणाम किया जाता है और छोटों को गले लगाया जाता है, और छोटे बड़ों को प्रणाम करते हैं। इस प्रकार से युधिष्ठिर महाराज बड़े हैं इसलिए भगवान ने प्रणाम किया, और नकुल सहदेव छोटे हैं इसलिए उन्होंने भगवान को प्रणाम किया, और भीम और अर्जुन भगवान के बराबर हैं इसलिए भगवान ने उनको गले लगाया। किसी ने किसी को प्रणाम नहीं किया, गले लगाते हैं। इस प्रकार से आज का श्लोक हमारा खत्म हुआ। कल का श्लोक है, तो इसमें भगवान श्री कृष्ण का जो वियोग है,
इसमें ये सब लोग मूर्छित से हो गए। पढ़ लेते हैं इसको भी, 1.10.9 और 10, दो श्लोक है इसमें। सुभद्रा द्रौपदी कुंती विराटन्या यथा गांधारी धृतराष्ट्रस्य युत्सो गौतमो यमो मृकोदरस्य धौमस्य स्त्रियो मत्स्य सुतादय न सेहिर विमुह्यंतो विरहम साघनम दसह। तो कह रहे हैं कि उस समय सुभद्रा, द्रौपदी, कुंती, उत्तरा, गांधारी, धृतराष्ट्र, युयुत्स, कृपाचार्य, नकुल, सहदेव, भीमसेन, धौम्य और सत्यवती, ये सभी लोग लगभग बेहोश हो गए। क्यों बेहोश हुए? क्योंकि उनके लिए भगवान कृष्ण से वियोग सहन करना बड़ा असंभव था, बहुत इम्पॉसिबल था, वो भगवान के बिना रहना सोच भी नहीं सकते, इसीलिए ये लगभग बेहोश से हो गए। तो तात्पर्य में प्रभुपाद जी बता रहे हैं, भगवान श्री कृष्ण प्राणियों के लिए, विशेषकर भक्तों के लिए, इतना आकर्षक है कि उनके वियोग को सहना बड़ा असंभव है। तो मायावी ऊर्जा के वशीभूत बद्ध आत्मा भगवान को भूल जाती है। हम लोग माया के अंदर आ जाते हैं, माया के वशीभूत होकर के हम लोग भगवान को भूल जाते हैं, अन्यथा वह नहीं भूल सकता। इस तरह के अलगाव की अनुभूति का वर्णन नहीं किया जा सकता, लेकिन इसकी कल्पना केवल एक भक्त ही कर सकता है। वृंदावन और निर्दोष ग्रामीण चरवाहे बालक, लड़के, लड़कियों, महिलाओं और अन्य लोगों से उनके अलग होने के बाद उन सभी को जीवन भर सदमा महसूस हुआ, और सबसे प्यारी चरवाहा लड़की राधा रानी का अलगाव अभिव्यक्ति से परे है। ब्रजवासियों को तो जिंदगी भर इस सदमे को सहना पड़ा। तो केवल एक भक्त इन बातों को समझ सकता है कि भगवान से अलगाव का क्या अनुभव होता है। अनुभूति तो खैर कोई कर भी नहीं सकता, वर्णन तो कोई कर भी नहीं सकता, लेकिन भक्त लोग इसकी कल्पना कर सकते हैं। अन्यथा जो हमारे निर्विशेषवादी हैं, अभक्त लोग हैं, ये तो इसकी कल्पना भी नहीं कर सकते, समझ भी नहीं सकते हैं कि कैसा है इसे। इस भाव को समझना बड़ा मुश्किल है। तो एक बार वे सूर्य ग्रहण के दौरान कुरुक्षेत्र में मिले और उन्होंने जो भावना व्यक्त की वह हृदय विदारक है। निसंदेह भगवान के दिव्य भक्तों के गुणों में अंतर है, लेकिन उनमें से कोई भी जिन्होंने कभी सीधे संपर्क या अन्यथा भगवान से संपर्क किया है, उन्हें एक पल के लिए भी नहीं छोड़ सकता। यही शुद्ध भक्त का दृष्टिकोण है। तो जिसने भगवान की सेवा भक्ति शुरू करी है, थोड़ा सा भी भगवान का भक्ति वही जीवन शुरू किया है, वो भगवान को एक सेकंड के लिए भी नहीं छोड़ सकता। भगवान का आकर्षण, भगवान क्या आकर्षक है, भगवान का प्रेम इतना दिव्य है कि भगवान को भूल पाना एक सेकंड के लिए भी, ये बहुत ही असंभव कार्य है। तो इसीलिए गोपियों को आपने देखा होगा, कैसे गोपियां थोड़ी देर के लिए भगवान गायब हो जाते हैं और गोपियां वियोग से कितनी तड़फती है। उसी प्रकार से एक भक्त का हृदय होता है, भक्त भगवान को एक सेकंड के लिए भी नहीं भूल पाता। तो लेकिन बसरते उसे भक्ति की एक बूंद मिली, उसने मन से, तन से, ढंग से कृष्ण से प्रेम करना शुरू किया, तो उस व्यक्ति को यह अनुभव हो सकता है, वरना इस अनुभव को प्राप्त करना बड़ा मुश्किल है। ग्रंथराज श्रीमद भागवतम की जय, जगत गुरु श्रील प्रभुपाद की जय, श्री गुरु महाराज की जय, अनंत कोटि वैष्णव वृंद की जय, हिताय गौर प्रेमानंदी हरि। संसार दावान ललीड लोक प्राणाय कारुण्य घना घनत्वं प्राप्तस्य कल्याण गुणार्णवस्य वंदे गुरौ श्री चरणारविंदम महाप्रभो कीर्तन नित्य गीतम वादित्यमाद्यान्मनशोरशेन रोमांचकं सुतरंगभाजो वंदे गुरौ श्री चरणारविंदम चतुर्विधा श्री श्रीविग्रहारा गणनित्यनाना श्रृंगारतनमंदिरमर्यनादो उक्तस्य वाक्यान् ध्वनिंगते चतुर्विधा श्री भगवत प्रसादो स्वदन तृप्तान हरि भक्त संज्ञान तृप्तव तृप्ति भजत सदैव वंदे गुरु श्री चरणारविंद श्री राधिका माधवयोर पारो माधुर्य लीला गुण रूप नाम नो प्रतिक्षणा
पदन लोलुपाश्य वंदेराशी चरणारविंद ओ निकुंज योनो रति केलिसेव्य यायालिभिरयोक्तिरपेक्षणीया तत्रातिदक्षात् अतिवल्लभाश्च वंदे गुरौ श्री चरणारविंद ओ साक्षात् हरित्वेन समस्त शास्त्रे उक्तस्तथा भावतेव सद्भि किन्तु प्रभुर्य प्रियैव तस्य वंदे गुरौ श्री चरणारविंद यस्य प्रसादात् भगवत् प्रसादो यस्य प्रसादात् नागति पितोके ज्ञानस्तु वंशतुष्य यशस्ते शनिन्द वंदे गुरोशि चरणारविन्द वंदे गुरोशि चरणारविन्दम् वंदे प्रभुपाद चरणारविन्दम् वंदे प्रभुपाद चरणारविन्दम् वंदे गुरोशि चरणारविन्दम् जय जय प्रभुपाद प्रभुपाद गुरुदेव गुरुदेव नाम ओम विष्णुपदाय कृष्ण पृष्ठाय भूतले श्रीमते भक्ति वेदांत स्वामिने इति नामिने नमस्ते सरस्वती देवे गौरवाणी प्रचारिणे निरविशेष शून्यवादी पाश्यता दिशतारिणी जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभो नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधार शिवाशादि गौर भक्तवृंद हरे कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे 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 राम राम हरे 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 कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे 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 राम 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 हरे 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 कृष्णा कृष्णा कृष्ण हरे 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 राम 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 हरे 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 कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे 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 राम 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 हरे कृष्ण 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 हरे 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 राम राम हरे हराय नमः कृष्ण याद गोपाल गोविंद रामात्म धन हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे कृष्ण कृष्ण हरे 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 राम 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 हरे हरे जय राधा श्याम सुंदर राधा श्याम सुंदर राधे राधा राधिका रमन राधा राधिका रमन राधे कृष्ण बलराम वृंदावन धाम जय वृंदावन धाम जय जगन्नाथ जय जगन्नाथ जय बलदेवा जय सुभद्रा जय गौरानिताय गौरानिताय पातित पावन गौरानिताय जय जय प्रभुपाद 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 जय श्रील प्रभुपाद जय जय गुरुदेव 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 जय जय गुरुदेव ताय गौर हरिवल हरिवल जय ओम विष्णुपाद परमहंस परिव्राजकाचार्य अष्टोत्तर शत नित्य लीला प्रविष्ट श्री श्रीमद अभय चरणारविंद भक्ति वेदांत गोस्वामी महाराज शील प्रभुपाद की जय शील भक्ति सिद्धांत सरस्वती गोस्वामी प्रभुपाद की जय अनंत कोटि वैष्णव वृंद की जय नमाचार्य श्रीहरिदास ठाकुर की जय राधा कृष्ण गोपीनाथ श्याम कुंड राधा कुंड गिरी गोवर्धन की जय गंगा यमुना माई की जय श्रीधाम वृंदावन धाम की जय मायापुर नवदीप धाम की जय अयोध्या परिद्वारिकापुरी धाम की जय पुरुषोत्तम क्षेत्र श्री जगन्नाथपुरी धाम की जय बद्रिकाश्रम धाम की जय सीता राम लक्ष्मण हनुमान श्री श्री
मंगला आरती की जय, ग्रंथराज श्रीमद भागवतम की जय, जगत गुरु श्रील प्रभुपाद की जय, निताय गौर प्रेमानंद जय, हरि हरि बोल। ऑल ग्लोरी टू सुमल डिवोटीज, ऑल ग्लोरी टू सुमल डिवोटीज, ऑल ग्लोरी टू श्री वैन गुरांगा, ऑल ग्लोरी टू श्री वैन गुरु श्रील प्रभुपाद की जय।